हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल। बांग्लादेश टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ चल रहा है, जिसमें से एक पहला वनडे मैच आज खेला जाएगा। तो प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में मैच होने वाला है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैच है। बारिश भी होगी इस वाले मैच में, तो सोच समझ के टीम बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। इस वाले स्टेडियम पर अब तक 19 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से 11 बार जो है बैट फर्स्ट जीतती है और 8 बार जो है वो बॉल फर्स्ट जीतती है। अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट इनिंग एवरेज टोटल, तो 228 रन का यहाँ पे रहा है इन 19 मैचेस में, और सेकंड इनिंग एवरेज टोटल 194 का रहा है, और 309 यहाँ पे हाईएस्ट बने हैं। तो अब तक 19 मैचेस में तो उतना बड़ा कोई स्कोर यहाँ पे बना नहीं है, और लोएस्ट स्कोर अगर हम देखें तो 194 है। अब यहाँ पर जैसे कि वेदर है, आप देख सकते हो रेन है यहाँ पर आज के मैच में, तो अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मैच थोड़ा छोटा भी हो सकता है, पर मैच होगा इतना कहा जा रहा है। सीधे चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, और उस हिसाब से फिर ड्रीम 11 टीम मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो प्लेइंग 11 देख लेते हैं वेस्ट इंडीज़ की क्या रहने वाली है। क्रिस गेल, इवन लुइस ओपन करेंगे, स्ट्रॉन्ग अनाउंस करी है टीम जो है वेस्ट इंडीज़ ने। अगर हम देखें तो शे होप है जो कि विकेट कीपर रहेंगे इनके, किरण पोवल या फिर जेसन मोहम्मद में से कोई एक खेलेगा। हेटमायर खेलेंगे नंबर 5 पे, फिर आंद्रे रसेल वापस आ रहे हैं, आंद्रे रसेल खेलेंगे, रोमन पोवल होंगे, फिर जेसन होल्डर होंगे जो कि इनके कैप्टन और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर ये वनडे के लिए, खासतौर से वेस्ट इंडीज़ के लिए। जब से इनके मेन प्लेयर बाहर बैठते आए हैं, तब से जेसन होल्डर हमेशा परफॉर्म करते आए हैं, जो कि कैप्टन भी हैं इनके। अब एशली नर्स या देवेंद्रो बिश्व में से कोई एक खेल सकता है, दोनों में से कोई एक तो ज़रूर खेलेगा। ऐसा भी हो सकता है कीमो पॉल की जगह दो स्पिनर, या फिर एशली नर्स या फिर देवेंद्रो बिश्व को कीमो पॉल की जगह भी खिलाया जा सकता है, और अल्जारी जोसफ 11वें नंबर पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत स्पिन फ्रेंडली पिच भी ये है, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि दो स्पिनर्स के साथ जा सकती है, या फिर एशली नर्स को हटा करके देवेंद्र बिश्व को खिला करके थोड़ी सी बॉलिंग क्रिस गेल से भी करवाई जा सकती है, क्योंकि क्रिस गेल भी थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये प्लेइंग 11 नज़र आ रही है वेस्ट इंडीज़ की। अब बांग्लादेश की प्लेइंग 11 देखते हैं क्या रहने वाले। तमीम इकबाल लिटन दास ओपन करेंगे, लिटन दास की परफॉर्मेंस अगर हम देखें प्रैक्टिस मैच में सही रही थी, 70 रन के करीब रन उन्होंने करे थे, और मुशफिकुर रहीम ने भी इतने ही कुछ रन करे थे। शकीबुल हसन नंबर 3 पर आपको दिखाई दे सकते हैं, मोहम्मदुल्ला हैं, फिर हैं इनके शब्बीर रहमान, फिर मुसादिक हुसैन ने भी बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी प्रैक्टिस मैच में, मेहदी हसन मिराज हैं, फिर होंगे इनके कैप्टन 9वें नंबर पर मुशफी मुर्तजा, रूबल हुसैन और मुस्तफिज़ुर रहमान वापस आ रहे हैं टीम के अंदर। तो इन्होंने की टीम भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, क्योंकि सारे प्लेयर्स जो हैं मेन वो सारे खेलेंगे। तो बांग्लादेश की भी टीम स्ट्रॉन्ग है, और वेस्ट इंडीज़ की टीम भी स्ट्रॉन्ग है, और अच्छी खासी हमें मैच देखने को मिल सकता है। तो टीम बारिश को दिमाग में लेकर के भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो सीधा सीधा मैं खोल लेता हूँ टीम मैंने क्या बनाई, जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। तो लिटन दास को ले रहा हूँ, क्योंकि क्रेडिट जैसा कि आपको पता है यहाँ पर दिक्कतें आएंगी ही, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स शामिल हैं, तो बड़े बड़े उनके क्रेडिट भी ज़्यादा ही हो रखे हैं। तो लिटन दास को लेना ठीक रहेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी सही रही थी। चाहो तो शे होप को ले सकते हो, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, बहुत सॉलिड प्लेयर हैं। क्रिस गेल को लेना यहाँ पर ठीक रहेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत बॉलिंग भी उनसे करवाई जा सकती है, और अगर टिक गए तो फिर आपको पता है क्या कर सकते हैं। और इस टाइम पर वेस्ट इंडीज़ का सबसे बड़ा सितारा एक तरह से देखे तो वो इवन लुइस है, हर मैच में रन कर रहे हैं और बहुत तेज तरीन रन कर रहे हैं, तो इवन लुइस को छोड़ना नहीं बनता। अगर खेल गए क्रिस गेल और लुइस, क्योंकि मैच थोड़ा छोटा भी हो सकता है, तो इन दोनों को छोड़ना मेरे हिसाब से नहीं बनता है। तमीम इकबाल को भी लेना ठीक रहेगा। तो ये 3 प्लेयर्स मैंने यहाँ से लिए हुए हैं, और नीचे से लिया है हेटमायर को, तो शेमिन हेटमायर को मैंने यहाँ से लिया हुआ है। ऑप्शन आपके पास किरण पोवल या फिर उनमें मेरे को लगता है जेसन मोहम्मद में से कोई एक खेलेगा, तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। अनामुल हक मुश्किल ही खेलेंगे, यहाँ पर शब्बीर रहमान रहेंगे जिनको आप ले सकते हो। अब 3 जो ऑलराउंडर मैंने लिया, आंद्रे रसेल, शकीबुल हसन और जेसन मोहम्मद को लिया हुआ है। अब ये 3 ऑलराउंडर एक तरह से बेस्ट हैं, अगर चाहो तो जेसन मोहम्मद की जगह मोहम्मदुल्ला ले सकते हो, पर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जेसन मोहम्मद पूरे ओवर्स करेंगे, उनकी बैटिंग आती है। अगर ऊपर से कभी भी कोलैप्स करती है वेस्ट इंडीज़, तो नीचे आकर के जेसन होल्डर हमेशा टीम संभालते हैं, तो ये दिमाग में लेकर रखना। अगर मैच छोटा होता है तो मोहम्मदुल्ला आपको काम आ सकते हैं, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों लगभग करेंगे, पर जेसन होल्डर अपने पूरे 10 ओवर करने की कोशिश करेंगे अगर मैच पूरा होता है। तो यहाँ से मुसादिक हुसैन को भी आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो। तो अब 3 जो मैंने बॉलर लिए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने किन किन को लिया। थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे, कीमो पॉल, अल्जारी जोसफ दोनों को लिया हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि कोई एक खेलेगा, मुझे ऐसा लगता है दोनों खेलने चाहिए। यहाँ पर मुस्तफिज़ुर रहमान को लिया हुआ है। अगर आप चाहते हो इन दोनों को ना लेना, तो नीचे ऊपर से ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एशली नर्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। यहाँ से मुशरफी मुर्तजा और मेहंदी हसन मिराज एक ऑप्शन रहेगा आपके पास, और रुबुल हसन भी रहेगा। अब इनको लेना कैसे, आंद्रे रसेल को छोड़ करके आप मोहम्मदुल्ला को ले सकते हो, या फिर
रोमन पोवल को ले सकते हो या मुसादिक हुसैन को ले सकते हो, फिर आपके पास दो क्रेडिट बच रहे हैं और यहाँ से फिर आप प्लेयर्स चेंज करके ले सकते हो। तो थोड़ा सा रिस्की लास्ट में जो मैंने पिक आपको बताई है वो रहेगी, जो यहाँ पे है ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों में से कीमो पॉल और अल्ज़ारी जोसेफ में से कोई एक खेला जाएगा, पर मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है दोनों को खिलाएंगे वो, क्योंकि दोनों ही अच्छे परफॉर्मर है। कीमो पॉल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दिखाई है और अल्ज़ारी जोसेफ बहुत तेज़ बॉलर हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दिखाई है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों खेलेंगे। थोड़ा सा रिस्की ज़रूर रहेगा। अब कैप्टन तो इवन लुइस को ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ज़बरदस्त प्लेयर हैं, फॉर्म बहुत ज़बरदस्त चल रही है और अगर थोड़ा सा खेल गए तो बहुत कुछ कर जाएंगे। वाइस कैप्टन शकीबुल हसन को बना सकते हो बिल्कुल, और बहुत अच्छा ऑप्शन है, शकीबुल हसन अपनी बॉलिंग बैटिंग दोनों करेंगे, तो कैप्टन भी आप शकीबुल हसन को कर सकते हो। आंद्रे रसल बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्रिस गेल भी इस वाले मैच में बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि थोड़ी बहुत बॉलिंग उनसे करवाई जा सकती है इस वाले मैच में। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।